नमस्कार, रसोई मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज आपको पंच भिक्खु व्रत व स्नान की कथा और विधि बताती हूँ। यह व्रत 8 नवंबर से 12 नवंबर तक है। जो लोग पूरे कार्तिक में स्नान या व्रत नहीं रख पाते हैं, वो इन 5 दिनों में व्रत रखते हैं तो उन्हें पूरे महीने का फल मिलता है। इस व्रत को भीष्म पंचक भी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध खत्म होने पर कृष्ण जी पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुँचे, जहाँ वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और उनसे प्रार्थना की कि हे कि आप पांडवों को कुछ ज्ञान दें। और इन 5 दिनों में ही पिता भीष्म ने पांडवों को जो ज्ञान दिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कृष्ण जी ने कहा कि यह 5 दिन पंच भीष्म के नाम से जाने जाएंगे और जो व्यक्ति इसमें पूजा पाठ दान करेगा उसे इसका बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गाँव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहुत कार्तिक में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा था, वह भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई और मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस आ रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए जा रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिस स्त्री की यह माला है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को भी साथ में बैठने नहीं देना है। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहुत सुबह सवेरे आई, पहली पैड़ी पर ही पैर रखा था और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5वें पांडु, 6ठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह सुबह मेरे तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब कैसा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा और उससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर वही बात बता दी। राजकुमार अब सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब वह स्नान करने आई और उसे फिर से नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात में अंगीठी जलाकर बैठ गया और साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, अपने चारों रातें तो निकाल दी है, यह रात में निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। और जब वह नहाकर चली गई तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि मेरी 5वीं रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों के हार को मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से फिर पूछा और तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसकी सत रखा है। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया था। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे के शरीर क्यों जल गया है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बातें बताई। उसने कहा, क्या किया था? ब्राह्मण ने कहा कि उसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसीलिए उसे यह रोग हुआ है। राजा ने तुलसी जी को ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाई और राजा रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तब ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की
बहू की ने माला ही लेकर साहूकार के घर गया पूर्णमासी और तक घर बोला में ही रखी कि यह है, पर माला इनकी आपकी आरती पुत्र करेंगे वधू की है, इसे और ले ले और पूर्णमासी की अपने सुबह ससुर इन्हें के भोग नहाए लगा ले करके चल और जो भी सामान से मेरे होंगे बेटे को अर्पित नहलाते। किया है साहूकार इन्हें, बोला वो कि भी वह और तो शालिग्राम जी किसी को पराए मंदिर पुरुष का में मुंह तक छोड़ नहीं आएंगे। देखती है, आप उसे इस इस तरह नाली से पर बिठा तुलसी जी दीजिए, और शालिग्राम जब जी ऊपर का से विवाह कराने नहाएंगी थे तो तब कौन नीचे सी नाली कन्या में प्राप्त पानी होता है। आएगा, तुलसी आपका विवाह का पुत्र यह भी नहा तो यह लेगा। है, खत्म राजकुमार होती ने है। ऐसे अगर ही आपको किया और दीपदान कुछ समय करने बाद थे कि उसका पहले सिर तुलसी जी चंदन को से हो भर गया, गया। दाएं तरफ बैठाएं और फेरे लेने के बाद तुलसी जी हे को हम बाईं पंच तरफ भिखु बैठा देवता, दें। जैसे आपने शालिग्राम जी साहूकार के तुलसी पुत्र जी की वधू आरती को करें, सतरखा, मंगल वैसे ही गीत गाएं और सभी लिखकर तरह से उसे विवाह यह संपन्न कथा हो वाक्य गया है। है। आप होते अब हैं, मिलते मिलते हैं हैं अगली वीडियो में पूर्णमासी वीडियो तक में, प्लीज सुनना या लाइक देखना करें, है शेयर तो करें, आप अगली सब्सक्राइब वीडियो करें। में देख सकते धन्यवाद। हैं। मैं एंड स्क्रीन में लगा